लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे चुनाव के तैयारियों का जायजा लिया तथा ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया कि 1 सितंबर से मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है, जिसमें 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग वोटर बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने वीएलओ से संपर्क करना होगा। उन्होंने अपील किया है कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया, और ये बताएं कि ये सूचना किन कारणों से यहाँ उपस्थित भेजी नहीं जा रही। मैं आपसे बताना चाहूंगी सर, वो प्रमाण पत्र हम लोगों ने भेज दिया है सर, लगभग एक हफ्ते पहले, जो अभी मेंशन हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण ऐसे क्रम है जो एक्सपीरियंस है, इसमें यहाँ पे सभी ईआरओ यानी एसडीएम साहबान की बैठक। पहले ये होता था ईवीएम की जब कमीशनिंग होती है, एफएलसी के बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन में मशीनें किस एसी में जानी है वो डिसाइड होता है, ये सभी जानते हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद जब कमीशनिंग का कैंडिडेट सेटिंग कई नौबत आती थी, तब संबंधित आरओ यानी विधानसभा के केस में एसडीएम साहबान का इन्वॉल्वमेंट होता था। इस बार वीवीपैट की वेरिएबिलिटी सभी बूथ में इस्तेमाल होगा, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि वीवीपैट और ईवीएम के प्रयोग पर लेकर के इसके प्रबंधन को लेकर के इलेक्शन कमीशन बहुत ही सभी ध्यान डाउट है। ये सिर्फ कहीं पॉजिटिव और भ्रम फैलाने की बात अगर कोई करता है तो उसको उसी हिसाब से जनपद स्तर पर हमें धीर गंभीर और जो सच्चाई है उससे अवगत कराना, ताकि इसमें कोई अनवांटेड कंडीशन या स्थिति अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि सभी एसडीएम साहबान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट एजेंसी के ही लेवल से रहे, उसके बाद अवेयरनेस और ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो विधानसभा भार उसकी योजना बनाई जाए और उसमें समेकित रूप से सभी लोग उसमें प्रतिभाग करें। और नीचे तक पूरी बात डाउनलाइन जिसको ऑपरेट करना है उसको हम नहीं कर पा रहे। सितंबर से लगातार नवंबर तक चलेगा, नवंबर अंत तक ये अभियान चलेगा। आप सब दर्शक को मैं निवेदन करता हूँ कि कितने लोग वोटर अभी बनाए नहीं है वो कृपया करके फॉर्म 6 भरा करके वोटर बना लें। यदि वोटर लिस्ट में किसी के नाम त्रुटि है उसको भी संशोधन हो जाएगा। यदि शादी के बाद और किसी के वजह एक जगह से दूसरे जगह जनपद का अंदर कोई इधर उधर गए हैं तो वो भी संशोधन हो जाएगा। यदि जनपद से बाहर भी कोई चला गया है तो वो भी संशोधन हो जाएगा। इसको मौका का अच्छा से आप फायदा उठाएँ। जो कितने लोग का जो वोटर बनाने चाहते हैं वो 18 साल के बाद वो सब वोटर बनाने के लिए एलिजिबल है। तो कृपया करके जो आपका संबंधित बूथ है, जो कहाँ वोट आप डालते हैं, वहाँ जाके बीएलओ लगातार बैठते हैं। हर संडे उसका स्पेशल अभियान के तौर से पूरे दिन बीएलओ बैठेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। उसी पे जा करके फॉर्म भरा के एक फ़ोटो और आपके एज का एक प्रूफ दे दीजिए, आपको वोटर कार्ड बन जाएगा, बन के मिल जाएगा। कब तक चलेगा ये? नवंबर अंत तक चलेगा, यानी बट आपसे निवेदन करता हूँ 1-2 महीने में आप करा दीजिए, पहले ही करा दीजिए ताकि नवंबर तक इंतजार ना करें। सितंबर से चालू हो गया अभियान, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने चलेगा।